तीसरा टॉपिक है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किसी भी सॉलिड को। हमने थ्री डायमेंशनल वाला एक क्यूब ले लिया, ठीक है। इसका पहले वॉल्यूम था V1, हमने इसको V1 से डिनोट किया और टेम्परेचर था T1। हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका जो वॉल्यूम है सारे साइड से थ्री डायमेंशनल है ना, तो सारी जितनी भी साइड्स है उसने साइड्स इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इसका पहले वॉल्यूम कितना था V1, टेम्परेचर था T1। मान के चलो कि पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और बाद में था 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 30 - 10 कितना होया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये समझने के लिए अब आपको ये वाला इक्वेशन निकालने आना चाहिए। देखिए तो चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ, पहले वॉल्यूम कितना था V1, उसके बाद हो गया V2, यानी अगर मैं V2 से V1 माइनस करूं तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा, तो इसको बोला जाता है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। यानी जितना बड़ा पहले इतना था, बाद में थोड़ा सा बढ़ गया तो उसको हमने V2 बोला, तो V2 से अगर मैं V1 माइनस करूं तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कितना वॉल्यूम बढ़ा, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल, तो कितना बड़ा ये किससे प्रोपोर्शनल होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो अगर ओरिजिनल वॉल्यूम छोटा रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी छोटा रहेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम बड़ा रहेगा तो जो चेंज इन होने वाला है, जो इंक्रीज होने वाला है वो भी बहुत बड़ा रहेगा। और दूसरा किस पर डिपेंड होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जैसे चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलो कि ये 50 होता, ये 50 डिग्री होता तो 50 - 10 कितना आता 40, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ये दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, पहला ओरिजिनल वॉल्यूम, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। तीनों इसमें हमने देखा, ठीक है, तीनों जो देखा ना, पहले देखा एरियल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, उसमें भी यही है, चेंज इन वॉल्यूम की जगह चेंज इन एरिया आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज होती है चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंज इन वॉल्यूम पे जगह पे आप एरिया डाल दीजिए, लीनियर एक्सपांशन पे लेंथ डाल दीजिए, तो किस पे प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको लिखना है चेंज इन वॉल्यूम, तो हम ये डेल्टा का साइन लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था V1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना था ΔT। बस इसको सॉल्व करते जाइए, इस साइन को हम सिर्फ यहाँ पे बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू बीटा, बाकी सारी टर्म वैसी रहेंगी, ΔV इज इक्वल टू बीटा V1 इंटू ΔT। अब चेंज इन टेम्परेचर यानी क्या होता है, V2 - V1 इज इक्वल टू बीटा V1 इंटू ΔT, ठीक है। तो ये हो गया V2 - V1 इज इक्वल टू V1 को मैंने इधर के साइड लेके आया मैं, उसके बाद बीटा ΔT। अब V2 जो है वो ये जो V1 है वो इस साइड को भेज देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा V1 प्लस V ये वाली टर्म, और ये V1 को इधर लेके आए, तो ये हो गया प्लस V1 बीटा ΔT। अब V1 को कॉमन निकाल लीजिए तो ये होगा 1 प्लस बीटा ΔT। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली आपके बुक में दिया है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए कि किस प्रकार से निकाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है कितना बड़ा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन V2 से, यानी कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ वो कैसा होता है, V1 ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा ΔT, ठीक है। तो ये वैल्यू से होता है, तो ये बीटा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड, ΔT क्या है चेंज इन टेम्परेचर, और V1 क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, और इसमें वैल्यू पुटअप करके आप कोई भी अगर प्रॉब्लम भी दिया जाता है तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है बच्चों, ठीक है, ये तीनों इसमें लीनियर एक्सपांशन में, एरियल एक्सपांशन में और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में, यही सिर्फ आपको जो है वो याद रखना है। लीनियर एक्सपांशन में चेंज इन लेंथ होगा, एरियल एक्सपांशन में चेंज इन एरिया होगा, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन चेंज इन वॉल्यूम होगा। यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन में चेंज इन लेंथ होगा, एरियल एक्सपांशन में चेंज इन एरिया होगा, बाकी चेंज इन टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इससे आप कोई भी इक्वेशन जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये लीनियर एक्सपांशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट इसमें हम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।